Good morning, friends. In previous lecture, we already discussed about the resistance and how can we find out the resistance using the carbon color code. Now here we see a combination of the resistance. तो हम resistance का combination कितने तरीके से कर सकते हैं? तो यहाँ एक आप series connection कर सकते हैं या series combination of the resistance. Second, parallel. And third one is mixed combination of the resistance. तो our requirement electronics के अंदर या हमारे घर के अंदर जैसी हमारी requirement होती है उस हिसाब से हम connection करते हैं. तो कई बार series, कई बार parallel या कई बार दोनों, मतलब parallel and series. तो it's called the mixed combination. तो यहाँ friends we see a one by one combination of resistors. तो यह फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कई बार हमें रेजिस्टेंस का सीरीज भी करना पड़ता है, कई बार पैरेलल. तो पहले मैं बात करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तो ऐसे हम कह सकते हैं कि मैं तीन रेजिस्टेंस लेता हूं, ज्यादा भी ले सकते हैं आप, पर मैं तीन ही रेजिस्टेंस लेता हूं. दिस इज द सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस. ये तीनों रेजिस्टेंस डिफरेंट है, उनकी वैल्यू भी मैंने डिफरेंट ली है. एंड इस कनेक्ट विद द वी वोल्ट बैटरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज ऑफ बैटरी वी वन, रेजिस्टेंस आर वन, आर टू एंड आर थ्री. ये जो रेजिस्टेंस है वो सबकी वैल्यू अलग अलग है, मतलब तभी तो मैंने आर वन, आर टू और आर थ्री लिखा है. यहाँ से करंट जो फ्लो होगा तो यहाँ जाएगा आई, तो यहाँ से करंट आई फ्लो होगा, इसमें से भी आई करंट फ्लो होगा, इसमें से भी आई करंट फ्लो होगा और इसमें से भी करंट फ्लो होगा और यहाँ से करंट वापस आएगा. अब आप सोचेंगे करंट यहाँ से निकला तो हाई एनर्जेटिक करंट होगा, वो आर वन, आर टू और आर थ्री में से पास होगा, तब उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई है और यहाँ जो आई आएगा वो थका हुआ आएगा. तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फुल एनर्जी में निकला और यहाँ आएगा वापस, तो वो थका हुआ होगा क्योंकि सारी एनर्जी आर वन, आर टू और आर थ्री में यूज हो गएगी. तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो हम इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं तो इन फिगर रेजिस्टर्स आर वन, आर टू, आर थ्री आर कनेक्टेड विद द वी वोल्ट बैटरी इन सच वे दैट इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द ईच रेजिस्टेंस इज सेम. दिस अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टर इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो हम ऐसा लिख सकते हैं इन फिगर रेजिस्टर्स आर वन, आर टू, आर थ्री आर कनेक्टेड विथ वी वोल्ट बैटरी इन सच वे दैट दैट इलेक्ट्रिक करंट आई आई पासिंग थ्रू each resistor is same but potential difference is different. Such arrangement of resistors is called सीरीज कॉम्बिनेशन. ऑफ रेजिस्टर्स ये बच्चों ऐसा लिखना पड़ता है अगर आप सीबीएसई के एग्जाम दे रहे हैं या बच्चों कोई भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब लिखना पड़ता है. अगर ये नहीं लिखते तो वो मार्क्स उसके कम आते हैं. तो यह बच्चों ये सब जो मैं पॉइंट लिखता हूं वो लिखना होगा, सिंपल ही होता है. अब फ्रेंड्स यहां आप देख सकते हैं कैसे करेंगे. तो यहां से देखो सब में से करंट आई पास हो रहा है तो मैं ये लिखूंगा, पर यहाँ करंट सेम है पर पोटेंशियल, तो ये जो पोटेंशियल होगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो वो अलग होगा. तो मैं वी वन कहता हूँ. आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मिलता है, मतलब पैरेलल मिलता है. तो यहाँ बच्चों ये भी पैरेलल होगा. वी टू कितना पोटेंशियल खाएगा ये,
मतलब कितनी एनर्जी यहाँ से यूज होगी, कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द आर वन के दो एंड के बीच में वी वन, आर टू वी टू और आर थ्री, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द रेजिस्टेंस आर वन इज वी वन। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ कितना होगा तो वो भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बच्चों फॉर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे ऐसे कहते हैं करंट पासिंग थ्रू, सो वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन टू एंड्स, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन टू एंड्स ऑफ आर वन, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू आर आई, पर यहां देख सकते हैं कि ये आई वन और ये आई है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यहां से जो करंट फ्लो होगा वो डिफरेंट होगा, पर यहां से आप देखो वोल्टेज क्या है, तो पहले रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप तो मैं कहूंगा वी वन है, दूसरे में वी टू है और तीसरे में वी थ्री है, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा तो वी होगा। इस इक्वेशन को मैं वन कह देता हूं, वी वन वी टू और वी थ्री, तो टोटल हम वी दे रहे हैं, तो यह सबका क्या होगा सम होगा। अब मैं लिखता हूं वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन टू एंड्स ऑफ रजिस्टर आर वन, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आर आई, तो यह वी वन और ये आर वन, तो यह इक्वेशन हम वन बोलेंगे क्योंकि आई सेम है। देखो सब में से आई करंट पास सेम हो रहा है, तो मैंने ये लिखा है करंट सेम है, पासिंग थ्रू सच वे दैट इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, तो यह करंट सेम है। उसी तरह बच्चों सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन टू एंड्स ऑफ रजिस्टर आर टू, सो वी टू इज इक्वल टू आर टू आई, इक्वेशन टू। सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप ड्रॉप बिटवीन टू एंड्स ऑफ रजिस्टर आर थ्री, सो वी थ्री इज इक्वल टू आर थ्री आई, इक्वेशन थ्री। अब हियर द वोल्टेज ड्रॉप सिमिलरली सेम ही था सब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट दिस वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वन, तो ये वन मैंने ऑलरेडी कह दिया था टू थ्री एंड फोर, सो फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री एंड फोर, तो ऑल द दिस वैल्यू आर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर वन, तो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, तो यह मैं लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू सारी मैं उस इक्वेशन के वन के अंदर मैं डाल देता हूं, सो दिस वैल्यू आर अब पुटिंग इन इक्वेशन नंबर वन, सो वी गेट, तो या फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन वन नंबर वन है, वी इज इक्वल टू आर वन आर वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, सो वी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू तो आर वन आई प्लस आर टू आई प्लस आर थ्री आई, तो या फ्रेंड्स आई कॉमन, सो देयर फॉर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो बस आई टेक इन द डिविजन, सो आई, सो देयर फॉर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सो बट वी इज इक्वल हमारे पास था आर आई, सो देयर फॉर वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर लिख सकते, तो ये वैल्यू मैं ये रख देता हूं, सो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट वैलेंस, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो इन द सीरीज द टोटल सम ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या टोटल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का टोटल सम होता है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो हम जानते हैं वी इज इक्वल टू आर आई, ज्यादा एनर्जी खाएगा, तो या फ्रेंड्स हम जानते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो मतलब ज्यादा एनर्जी खाएगा। और एक बात करते हैं कि इफ द रेजिस्टेंस आर हमें इफ एन रेजिस्टेंस दिया हो तो, सो फॉर एन रेजिस्टर इज गिवन, रेजिस्टर्स आर गिवन, आर गिवन, सो देयरफॉर तो वी कैन राइट आउट द आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू अप टू आर एन, और सीरीज के लिए हम ऐसे लिखते थे एस आर एस,
आर एस में सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इफ ये सारे वैल्यू आर है एन रेजिस्टेंस है वो सेम हो तो अगर ये आर वन आर टू अप टू सो वन सबकी वैल्यू आर ही हो तो आप लिख सकते हैं आर एस इज इक्वल टू आर प्लस आर अप टू एन रेजिस्टेंस ऐसे होंगे तो आप लिख सकते हैं आर एस इज इक्वल टू आर एन या एन आर मीन्स एन मीन्स नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो या अब तक इतने एन रजिस्टर मान लो 1000 तो 1000 इंटू आर एक रजिस्टर की वैल्यू तो अगर एन रजिस्टर दिए तो हम ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये बच्चों इक्विवेलेंट और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो पहला इसका हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है। तो सिंपल बात बता देते कि मान लो कि हमारे घर में ये बल्ब है और यहाँ मैंने ट्यूबलाइट लगाई है या बच्चों टेलीविज़न लगाई है तो यहाँ आप देखेंगे एक ही वायर लेना है। यहां फैन लगाया है तो मैंने फैन लगाया तो सब में से एक वायर लेना है और यहां से दूसरा वायर लेके हम डायरेक्ट उसको सप्लाई दे देंगे तो एक ही स्विच की जरूरत पड़ेगी और एक साथ सारी चीजें क्या होगी स्टार्ट होगी। पर बच्चों इसके डिसएडवांटेज भी है, इसमें वायर कम यूज होता है स्विच एक ही चाहिए। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है सबके रेजिस्टेंस का सम होता है तो मतलब सबके रेजिस्टेंस का सम होगा तो क्या होगा तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा मतलब ज्यादा एनर्जी खाएगा। दूसरी बात इसको ज्यादा करंट मिलेगा पर जैसे जैसे करंट आगे जाए तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मतलब कम होता जाएगा मतलब ये फुल जलेगा पर धीरे धीरे इन सबको करंट कम मिलता है। मान लो कि ये कई बार ऐसा होता है कि ये उड़ गई बंद हो गई तो क्या होगा तो पूरी सर्किट क्या होगी बंद हो जाएगी। तो मतलब इन प्रैक्टिस वी आर यूजिंग सम स्मॉल टाइम के लिए हमें जरूरत पड़े तो मान लो एक दो घंटे के लिए कुछ टाइम के लिए हमें ये कनेक्शन करना और वायर कम हो तो हम ये सीरीज रेजिस्टेंस कर सकते हैं। पर आपने देखा होगा कि हम दिवाली में डेकोरेशन लाइट के लिए जनरली इस सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं और जिसे वायर कम चाहिए और एक ही स्विच में सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो यह छोटी छोटी लाइट सीरीज चालू करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है बच्चों। पर यहाँ कुछ खामियां हैं, इस खामियों को हम थोड़ी दूर करते हैं और वो होता है दूसरा कनेक्शन जिसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो बच्चों जनरली पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होता है तो हमारे घर के अंदर जो यूज होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन तो यहां मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास यहां से एक रेजिस्टर है मैं तीन को ही लेता हूं आप दो भी ले सकते हैं पर ये हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर तीन दिया तो मैं तीन बता दूं आपको तीन रेजिस्टर्स मैं लेता हूं एंड दे आर कनेक्टेड इन दिस वे एंड हियर वी कनेक्ट द बैटरी वी वोल्ट बैटरी। अब यहां देखेंगे प्लस एंड माइनस तो करंट यहां से फ्लो होगा वी वोल्ट बैटरी करंट आई सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ईच रेजिस्टेंस तो हर एक में से यहां से करंट आई पास होगा पर यहां जाने के बाद करंट के पास तीन ऑप्शन है ये आर वन आर टू और ये आर थ्री। अब यहां से करंट कितना जाएगा तो करंट अपने आप को डिवाइड करेगा तो यहां से जो करंट पास होगा उसको I1 कह देते I जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा I3 और ये क्या होगा I4। अगर ये सारे रेजिस्टेंस सेम होते तो सब में से सेम करंट पास होता तो I/3 लिखते पर यहां सारे रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट भी अलग है तो यहां से I1 यहां से I1 और यहां से I2 और ये I3 तीनों मिलकर फिर से क्या बन जाएगा I पर यहाँ से जो करंट जाएगा वो फुल एनर्जेटिक होगा पर यहाँ से आएगा वो थका हुआ बेचारा होगा तो वो हमें समझाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन मैंने बताई तो I तो यहाँ से हम गए और यहाँ से बच्चों ये I1 ये I2 और ये I3 आपको नाम कोई भी देना हो तो दे सकते हैं चार रजिस्टर दे तो आपका I1 I2 I3 और I4 पाँच हो तो I5 तक। तो ये बच्चों अब इसके लिए भी लिखना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे तो आगे सीरीज में लिखा था वही लिखेंगे तो यहां देखो सबको पैरेलल में लगाया तो सबका वोल्टेज एक ही मिलेगा तो यहां हम लगाए तो वी वोल्ट की बैटरी होगी सबका वोल्टेज क्या होगा सेम होगा पर करंट देखो सब में सेम है तो करंट और वोल्टेज जो होते हैं तो एक में सेम होगा तो दूसरा अलग होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं इन फिगर रेजिस्टेंस आर वन
R2, R3 are connected with the V1 battery in such way that electric current passing through each resistance is different. But V is equal to same. यहां सेम लिखेंगे कि यहां वोल्टेज क्या होगा तो सेम होगा सबका, पर करंट क्या होगा सब में डिफरेंट होगा. ये दोनों बच्चों आई और वी क्या होते हैं, तो एक सेम होता है दूसरा बदल जाता है. अब मैं बोलूंगा पोटेंशियल, तो यहां टोटल करंट कितना है तो आई है, तो आई कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया तो तीन, तो मैं लिखूंगा I1 I2 एंड I3. मैं इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1. अब ये इक्वेशन नंबर 1 आया. अब हम क्या करते हैं, I1, I2 और I3 ढूंढते हैं. तो हम बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप, तो ये वोल्टेज कितना होगा तो यहां हम लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल हम लिखते थे RI. तो यहां V तो सेम है और ये दोनों चेंज हो रहे हैं, मुझे I चाहिए, तो I इज इक्वल टू V अपॉन क्या लिख सकते हैं R1. इस कॉल द इक्वेशन नंबर 2. अब हियर फ्रेंड्स, अब वी आर यूजिंग अ इक्वेशन नंबर 1 सिमिलरली. तो फ्रेंड्स फॉर द रेजिस्टेंस R2 दिस वन फॉर R2, सो V इज इक्वल टू R2 I2, सो देयरफॉर I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2. इक्वेशन नंबर 3 सिमिलरली फॉर R3, सो V इज इक्वल टू R3 I3, सो देयरफॉर I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3. इक्वेशन 4, दिस वैल्यू आर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1. तो 1 के अंदर मैं वैल्यू डाल दूं तो, और फिर सिंप्लीफाई हम करते हैं, तो ये वैल्यू दिस वैल्यू आर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 के अंदर हम डाल देते हैं. तो यहां दिस वैल्यू आर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो मैं 1 के अंदर डाल देता हूं. तो फ्रेंड्स 1 हमारा है फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4. तो फ्रेंड्स 1 क्या है हमारा, तो आई, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. नाउ हियर वैल्यू ऑफ द I1, सो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. सो देयरफॉर I इज इक्वल टू V कॉमन, सो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. सो V टेक इन द डिवीजन फॉर्म, सो V अपॉन I. So 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. According to Ohm's law. Ohm's law. मान लो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का R हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 upon R is equal to, मैं R को इस तरह लाता हूं तो I upon क्या हो जाएगा, V हो जाएगा. तो I upon V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon R. So 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the formula of the parallel combination of the resistance. Okay? If n resistor are connected in the parallel, तो अगर n resistance parallel में हो तो क्या होगा? तो हम ऐसा लिखेंगे, for n resistors. तो मैं लिखूंगा 1 upon R, parallel का P लिख देते हैं. तो 1 upon R1 plus 1 upon R2 up to 1 upon Rn. पर मान लो सारे रेजिस्टेंस सेम हो तो all the resistance सेम, तो क्या लिखेंगे, तो Rp is equal आप लिख सकते हैं R by N. सारे रेजिस्टेंस सेम हो तो R by N, मतलब N से डिवाइड कर दो. तो यहां रेजिस्टेंस का डिवीजन आता है, मतलब वैल्यू टोटल, तो टोटल इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, मतलब इसमें से जो भी रेजिस्टेंस कम होगा, मान लो ये 2 है, 3 है, ये 4 है, तो इसका आंसर 2 से भी कम आएगा. सीरीज में क्या होगा, जो बड़ा होगा उससे भी बढ़ाएगा. तो यहां इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस, तो मतलब इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा आएगा. तो हियर द जाहिर सी बात है कि आप कोई भी रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट कम खाएगा, मतलब आसानी से करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी. तो इन प्रैक्टिकल लाइफ वी आर यूज द मोस्ट ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो हमारे घर के अंदर फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब,
एसी, टेलीविज़न, फैन, वो सबको हम पैरल में लगा दें। पैरल में क्या चाहिए, तो सबके लिए अलग अलग स्विच चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऐसे तो सबके लिए अलग अलग स्विच होती है और सबके लिए अलग अलग और हर एक में से वायर निकलेंगे। तो यह बच्चों आप देख सकते हैं पैरेलल के अंदर हर एक के लिए अलग अलग स्विच चाहिए और वायर भी ज़्यादा चाहिए, पर मोस्ट ऑफ इट इज़ प्रैक्टिकल वी आर यूजिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन, वी कैन सेव द इलेक्ट्रिसिटी। तो यह फ्रेंड्स सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा। बच्चों इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं और इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। कई बार इसका मिक्स कॉम्बिनेशन भी आता है, तो वो मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होगा। ओके बस अब बच्चों ये सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन वाला हम क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल 3.5, अ नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू द अ 16 वोल्ट बैटरी विद द इंटरनल रेजिस्टर ऑफ द 1 ओम एस शो इन द फिगर। ए कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ द नेटवर्क, बी ऑब्टेन द करंट इन द ईच रेजिस्टर एंड सी ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप ए बी बी सी एंड द सी डी। तो बच्चों यहाँ हमें एक सर्किट बताई है और यहाँ ये ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया हमें क्वेश्चन के अंदर। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मुझे सबके बीच का पहले तो ये तीन बातें, पहले हमें फाइंड करना है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैं पहले ये फाइंड करता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हम फाइंड कर देते हैं कितना होगा। तो यहाँ बच्चों पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करूँ, तो आप देखो पहले तो यहाँ ये दोनों जो 4 ओम और ये 4 ओम, तो ये दोनों किस कनेक्शन में, तो मैं इसको R1 कह देता हूँ, ये हमारा R2 कह देता हूँ और इसको क्या कह देता हूँ R3। हम यही करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो हम इसको ही गिनेंगे। तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में तो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो R1 प्लस R2 अपॉन क्या होगा R1 R2, रेसिप्रोकल कर दे दो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस क्या होगा R2। तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब दोनों का इनटू अपन दोनों का क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो पहले मैं यह करूँगा, तो यह इक्विवेलेंट रेजिस्टर R1 फाइंड कर देता हूँ। तो R1 करो तो ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में मैंने अभी सिखाया दोनों का इनटू करो, डिवाइड बाय दोनों का प्लस करो, तो ये कितना होगा 16 और ये 8 होगा, तो इज इक्वल क्या आएगा 2 ओम। कई बच्चे जल्दबाजी के अंदर ये 4 4 कट कर देते हैं और आंसर 1 ला देते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर प्लस करते हैं, पहले दोनों का इनटू अपॉन दोनों का प्लस, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके अब ये बच्चों R2 तो ऑलरेडी गिवन है, तो मैं बोलूंगा 1 ओम एंड R3 इज इक्वल टू, तो ऑल्सो दे आर इन द पैरेलल, तो दोनों का पहले इनटू करेंगे 12 × 6 और डिवाइड बाय दोनों का क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ आप लिख सकते और ये बच्चों 18, तो कितना आएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये 8 पर जाएगा और ये बच्चों 2, तो 4 ओम रेजिस्टेंस आएगा। अब बच्चों टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल रेजिस्टेंस क्यों, तो ये तीनों तो सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल थे पर ये R1 हो गया, ये R2 और ये R3, तो सीरीज में, तो मतलब प्लस होगा, तो 2 प्लस 4 और प्लस या सॉरी 1 है 2, तो ये 1 और ये 4, तो आंसर कितना है तो 7 ओम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब उसमें पूछा है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में पूछा है ऑब्टेन द करंट इन ईच रेजिस्टर, हर एक में से करंट कितना पास होगा, तो वो मुझे फाइंड करना है। अब करंट कैसे फाइंड करूं, तो अब देखो यहां से करंट I पास होगा, तो ये करंट I है, यहां से वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो I1 एंड I2, करंट इज डिवाइड टू पार्ट, देन दे आर मिट हियर, तो ये I2 बाहर आया, I1 आया और ये I2, फिर से दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं I, फिर इसमें जाएंगे तो ये I3, तो ये मैं कह देता हूँ I4, फिर ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा I, तो वापस जितना यहाँ से करंट गया था उतना वापस आना चाहिए, तो हमारा जो सर करंट हमने बताया वो सही है। तो यह फ्रेंड सेकंड में मुझे फाइंड करना है, अब फाइंड आउट द इक्विवेलेंट करंट, मतलब सब में से करंट कितना पास होगा, तो हम पूरे सर्किट का आई फाइंड कर देते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं टोटल करंट कितना होगा, तो ओम्स लॉ लगाते हैं, तो वी इज इक्वल क्या होगा आर आई, सो आर इज इक्वल टू, तो वी अपॉन, मुझे आई फाइंड करना बच्चों,
तो आई इज इक्वल वी अपॉन आर, पर ये आर टोटल रेंज पर इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो एक ही लाइन में जुड़ा होता है, तो एक ही लाइन में सीरीज में होगा, तो वन प्लस आर। कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि ऐसा हो तो ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल नहीं सीरीज है, देखो एक ही रास्ता है, एक ही करंट फ्लो हो रहा है, तो एक ही करंट फ्लो हो रहा हो तो हम क्या बोलते हैं उसको, सीरीज। तो या फ्रेंड्स ये सीरीज में है, तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू हमें दी है 60 और R की 7 प्लस 1 तो कितना होगा 2 एम्पियर। तो टोटल करंट पासिंग द सर्किट इज 2 एम्पियर। अब यहां I1 कितना होगा I2, तो यार देखो ये दोनों किस कनेक्शन में, पैरेलल में, और पैरेलल का कनेक्शन का हम पढ़े थे, इन ए पैरेलल कनेक्शन करंट आर डिफरेंट सो वोल्टेज आर सेम। तो मैं बच्चों बात करूंगा अब फॉर ए बी, इसमें से कितना करंट पास होगा, तो V1 इज इक्वल टू V2 कह देता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज सेम होगा, ओम्स लॉ लगाओ तो V इज इक्वल टू RI, तो R मतलब कितना है 4 और I1, V इज इक्वल टू RI तो 4 और करंट कितना पास हो रहा है I2, सो 4 4 कट गए तो I1 इज इक्वल क्या हो जाएगा I2, तो दोनों का I1 और I2 सेम है, करंट कितना है I हमारे पास, तो I की वैल्यू I2, तो इसके तो दो टुकड़े सेम होते हैं, मैंने बोला था दो रेजिस्टेंस सेम हो तो करंट भी क्या पास होगा, सेम ही होगा, तो मतलब ये I1 और I2 सेम आए, इसका मतलब टोटल 2 है, तो I1 कितना होगा 1 एम्पियर और I2 भी कितना होगा 1 एम्पियर, तो ये I1 और I2 आ गए। अब हमें फाइंड करना है I3 और R4, तो वो कितना होगा, तो वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर वो कनेक्शन किस में है, तो दोनों पैरेलल में, तो V3 इज इक्वल टू V4 कह सकते हैं, और यहां मैं लिख सकता हूं, तो क्या लिखेंगे, तो ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो रेजिस्टेंस 12 है और करंट कितना है I3, यहां लिखेंगे हम 6 और रेजिस्टेंस कितना है I4, तो यहां से 6 को इस तरफ ला दें हम, तो 12 डिवाइड बाय 3 अपॉन 6 तो I4, तो I4 इज इक्वल क्या होगा, तो ये कट जाएगा, तो मतलब क्या होगा 2I3 हो गए। अब बच्चों मुझे फाइंड करना है कि I3 और I4 कितना होगा, तो आप ऐसा करो ये वैल्यू, तो I1 टोटल देखो I3 और I4 तो कितना है I है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I3 प्लस I4, सो I की तो वैल्यू 2 आ गई, I3 मतलब हम नहीं जानते, पर I4 की जगह आप लिख सकते हैं 2I3, सो टोटल कितना होगा 2 3I3, सो देयरफॉर I3 इज इक्वल टू 2 बाय 3 हो गया, तो I3 की वैल्यू आ गई 2 बाय 3 एम्पियर। अब ये वैल्यू इसमें डाल देता हूं तो क्या आएगा, तो I4 इज इक्वल टू तो 2I3 मतलब 2 बाय 3 कितना आएगा 4 बाय 3 एम्पियर, तो ये वैल्यू मैंने यहां डाल दी तो I4 मिल गया, तो ये I4 की वैल्यू आ गई। अब बच्चों लास्ट में हमें पूछा है अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए बी बी सी एंड सी डी, तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब वो कितना वोल्टेज खाएंगे, तो वो फाइंड करना हो तो वो हम फाइंड ऐसे करते हैं, तो पहले सी में देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो मैं लिख देता हूं वी ए बी, ओम्स लगा देते तो वी इज इक्वल टू आर आई होगा, तो यहां फिर आर मतलब क्या, तो दोनों में से कोई एक ले लो 4 और करंट मैं आई वन लिखता हूं, चलो ऊपर का लेता हूं या ए लो तो भी चलेगा, तो यह वन वैल्यू उसकी आई वन आया था, तो आई वन हमारा कितना था, तो वन था, मैंने आगे बताया, तो 4 वोल्ट। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी बी सी फाइंड करना हो तो ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस कितना है 1 है और करंट कितना पास हो रहा है तो आई, सो 1 करंट की वैल्यू 2 आई थी तो 2 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सी एंड द डी, सो रेजिस्टेंस मतलब 12 तो करंट कितना आई थी, अगर आप ये लेते हो तो भी चलेगा, ये दोनों लो तो भी चलेगा, तो वी सी डी तो 12, आई थी की वैल्यू हम डिराइव कर चुके हैं 2 बाई 3, सो आंसर ये आएगा 4, तो कितना आएगा 8 वोल्ट, अगर आप ये लेते तो भी 8 ही आता। ओके देख सकते हैं आप, देखो 6 है और I4 की वैल्यू ये, तो 3 टू जा 6 एलिमेंट 2 बचे 4 टू जा 8 8 आ गए। अब ये बच्चों टोटल हमारे वोल्टेज कितना है, तो हमारा आंसर यह खत्म हो गया, पर टोटल वोल्टेज आप देखो तो सबका प्लस होता है, एक इस कितना खाता है 4, ये 2 और ये प्लस 8 कितना आया, तो V इज इक्वल टू आई थिंक 14 आया, 14 वोल्ट है, तो यहाँ तो हम 16 दे रहे थे, तो बाकी का गया कहाँ, तो बाकी का इस इंटरनल रेजिस्टर ने खा लिया, मतलब इसका हुआ बाकी का 2, मतलब टोटल 16 हो गए। तो यह फ्रेंड्स
ये सिंपल एग्जांपल थे। ऐसे क्वेश्चन बच्चों हर एग्ज़ाम के, ये जी नीट या बच्चों एनसीईआरटी के एग्ज़ाम में, या बच्चों सीबीएसई के, या ऑल द स्टेट बोर्ड जीएसटी बोर्ड, मतलब ये गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड मतलब जीएसई भी बोलते हैं, और बच्चों अलग अलग एग्ज़ाम जो पैट और पीट के मतलब इसके अंदर भी बच्चों ये पूछे जाते हैं। तो अलग अलग स्टेट के अंदर बच्चों ये अलग अलग एग्ज़ाम में जाते हैं, जैसे गुजसेट है, पैट है, सेट है, तो ऐसी एग्ज़ामों के अंदर भी वैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं विश्वास रख सकता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों बने रहिए, देखते रहिए। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बच्चों मैं फ्री टर्म में जो हम भी चैनल बता रहे वो सारी फ्री है, मतलब उसके लिए आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये बच्चों हम फ्री ऑफ चैनल चला दें। तो यह बच्चों आई होप यू एन्जॉय। थैंक यू वेरी मच पेरेंट्स।